दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए हमने प्याज और हरी मिर्च और लहसुन और कड़ी पत्ता रेडी कर लिया है। ये है पोटैटो और हमने ये थोड़ा सा तड़के के लिए टमाटर काट लिया है। और ये बेसन है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, कढ़ी हमेशा से खट्टी होती है, इसलिए कढ़ी को खट्टा करने के लिए हमने मठा मंगा लिया है। दोस्तों, हमने कुछ ये सीड्स लिए हैं, जीरा, राई और मेथी दाना। हमने कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दी है दोस्तों। इसमें हमने कच्ची घानी सरसों तेल डाल दिया है दोस्तों। सरसों को तेल से तड़का देने में बहुत अच्छा रहता है, कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हमने हरी मिर्च डाल दी है। इसमें हम कटी हुई डालेंगे प्याज। अब इसमें हम डालेंगे आलू। दोस्तों, इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे एवरेस्ट गरम मसाला। दोस्तों, अब इसमें डाल देंगे हम अपने कटे हुए टमाटर। दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बेसन और मठे का बनाया हुआ बैटर। ये देखिए, दोस्तों, उसको हम गाढ़ी होने तक के लिए लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबालेंगे। ये देखिए, हमारी कढ़ी कितने अच्छे से उबल के रेडी हो गई है। दोस्तों, गर्मी के टाइम पर ये बहुत अच्छा फूड होता है। इसको दही या मठे के साथ, खटाई के साथ बनाया जाता है।
गर्मियों में लोग बहुत खाते हैं इसे। दोस्तों हमारी कढ़ी बनकर रेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कितना अच्छा रंग उभर कर आया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।